जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बहुत सी कुंडलियों में आपने देखा होगा कि ग्रह 0 डिग्री का है, ग्रह 1 डिग्री का है, ग्रह 29 डिग्री का है, जिसमें ज्योतिष को पढ़ते पढ़ते लोगों ने देखा मेरा ग्रह वृद्धावस्था का है, मेरा ग्रह मृत अवस्था का है, मैं क्या करूं, मेरा ग्रह इस प्रकार का है, अब पता नहीं उस ग्रह की वजह से मुझे फल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मेरी वह दशा अच्छी जाएगी नहीं जाएगी, कि भाई मेरा तो शनि कुंडली में 0 डिग्री का है, मेरा शनि तो 1 डिग्री का है, या मेरा शनि अंतिम 29 डिग्री पे बैठा हुआ है, या कोई भी ग्रह इस अवस्था में बैठा हुआ हो जिसको गंडमूल भी कहते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि जैसे मेष राशि है, मेष राशि के अंदर 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विनी नक्षत्र होता है, ऐसे ही सिंह राशि में मघा नक्षत्र होता है, कर्क में भी गंडमूल होता है, मेष में भी होता है गंडमूल, सिंह में होता है, वृश्चिक धनु में होता है और मीन में होता है, यानी ग्रहों के अंतिम और शुरुआत की डिग्री यहाँ भी होती है, जिसमें एक स्पेशल चीज जुड़ जाती है गंडमूल। अब ऐसा ग्रह अगर आपकी कुंडली के अंदर आपको मिल जाए तो आप कहीं ना कहीं समस्या में आ जाएंगे। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जो लोगों को पता नहीं होते, जिसके बारे में उनकी जानकारी अधूरी रहती है और वो कहीं ना कहीं उन चीज को लगे घबरा जाते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि पहले ये 5 सूत्र ऐसे मैं आपको बताऊंगा जिसको आपकी कुंडली में लगना अनिवार्य है, कि अगर आपकी कुंडली में ग्रह 0 डिग्री 1 डिग्री 29 डिग्री के आसपास का है, या गंडमूल में है, या संधि में है जिसे हम कह सकते हैं, वृद्धावस्था में है, मृत अवस्था में है, तो उस ग्रह की दशा आपके लिए शुभ जाएगी या नहीं, वो इन प्रिंसिपल से आप देख सकते हैं। इनको मैं बाद में 2 कुंडलियों पर भी लगा के बताऊंगा कि एक व्यक्ति जो जीवन में बहुत डाउन से लेकर करोड़ों रुपए तक जिन्होंने अपना कमाया वो क्यों कमाया, उनकी कुंडली में वो योग हमने देखे। देखिए इसमें सबसे पहला नियम है, ग्रह आपका कैसा भी हो, 0 डिग्री हो, 1 डिग्री 29 डिग्री, गंडमूल कैसा भी, लेकिन अगर उस पर पहला नियम लगता है कि ग्रह की डिग्री लगन की डिग्री के पास हो। अब लगन की डिग्री के पास होने का मतलब है, शास्त्र कहता है एक नवांश पीछे और एक नवांश आगे तक भी हो, एक नवांश में होती है 3 डिग्री 20 मिनट। मान लीजिए लगन की डिग्री है 15 और कोई भी ग्रह जिसकी दशा चल रही है वो अगर आपकी लगन की डिग्री के पास है तो वो ग्रह अच्छे फल देता है। जैसे मान लीजिए 12 डिग्री पर भी कोई ग्रह है, 12 या 13 पे, या 17 या 18 तक भी है, तो आप ये देखिए ये लगन की डिग्री के पास हो गया। इसी तरीके से लगन की डिग्री ये मान लीजिए 1 डिग्री है और उसके पास कोई ग्रह है, जैसे 0 डिग्री का कोई ग्रह है, 2 डिग्री का ग्रह है, 3 डिग्री का ग्रह है, तो वो लगन की डिग्री के पास है, ऐसे ग्रह का फल देने की क्षमता बढ़ जाती है। तो बहुत बार आपने देखा होगा ग्रह राइज कर गया, व्यक्ति जीवन में तरक्की कर गया, तो बाद में देखा तो वो तो लगन की डिग्री के पास है। शास्त्र में तो इतना भी लिखा हुआ है कि ग्रह कितना भी पीड़ित क्यों ना हो, अगर वो लगन की डिग्री के बहुत पास है तो ऐसा ग्रह अपनी दशा में अच्छा फल देगा। दूसरा, 1 5 9 नवांश हो। एक क्लासिकल्स नियम है व्रत पराशर होरा शास्त्र या अन्य शास्त्रों में आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं चर राशि का पहला नवांश वर्ग उत्तम होता है, चर राशि का पहला नवांश वर्ग उत्तम, स्थिर राशि का 5वां नवांश वर्ग उत्तम और द्वि स्वभाव राशि का 9वां नवांश वर्ग उत्तम। यानी इसका मतलब है जो ग्रह लगन कुंडली में चर राशि में है, 1 4 7 10 ये चर राशि होती है, इसके अंदर कोई ग्रह पहले नवांश में बैठा यानी 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर अंदर बैठा है तो वो ग्रह नवमांश कुंडली में सेम राशि में बैठेगा। उदाहरण के लिए शनि तुला राशि में मान लो बैठे हुए हैं, वो चर राशि हो गई, शनि वहां उच्च के हो गए और 3 डिग्री 20 मिनट से कम में बैठे हुए हैं तो वो नवमांश में भी उच्च के ही मिलेंगे, यानी इस ग्रह का बल और अधिक बढ़ गया। सेम स्थिर राशि है, मान लीजिए मंगल सिंह राशि में बैठा हुआ है और सिंह राशि में वो ग्रह 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है वो ग्रह 5वें नवांश में है, तो नवमांश कुंडली में भी वो ग्रह 5वें नवांश यानी उस सेम राशि में ही मिलेगा, वर्गोत्तम हो गया यानी वर्गों में उत्तम हो गया। यही 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर और 30 डिग्री के बीच में यदि कोई ग्रह द्वि स्वभाव राशि में बैठा है, द्वि स्वभाव राशि कौन सी होती है, 3 6 9 12 इनके अंदर बैठा हुआ है तो वो भी नवमांश में उसी राशि में मिलेगा, यानी यहाँ ग्रह को एक अतिरिक्त बल मिल गया। उसके अलावा जो ग्रह 0 डिग्री के हैं, 1 डिग्री के हैं, गंडमूल हैं, अवस्थाओं में खराब हैं,
उनका संबंध अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामियों से उसका संबंध है, स्वामी संबंध मतलब उसके साथ बैठ गए, उसको देख लिया या राशि परिवर्तन कर गए, तो ये होता है एक संबंध। तो ये उस ग्रह के अंदर बल बढ़ा देता है। नियम यहां यह है कि वो ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, कि जो ग्रह 0 डिग्री, 1 डिग्री, 229 के आसपास है, वो अस्त हो गया तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो फल नहीं दे पाएगा। दुष्प्रभाव में ना हो, यानी राहु केतु अक्ष पे नहीं होना चाहिए, राहु केतु उस ग्रह के क्लोज नहीं होने चाहिए डिग्री में, या ये कह लो अन्य ग्रह पापी ग्रह। पापी ग्रह कौन से हैं? सूर्य अस्त करता है, शनि पाप दृष्टि देता है, उनके प्रभाव में नहीं होना चाहिए। ये योग कुंडली के 6, 8, 12 भाव में नहीं बनना चाहिए। पता लगा वो पहले से ही खराब भाव में चला गया, पीड़ित भी हो गया, तो वो ग्रह फल नहीं दे पाएगा। साथ में ये जरूर देखें, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने विशेष लिखा, भाव में शुभ ग्रह हो तो विशेष फल मिलेगा। जैसे किसी की मिथुन लगन की कुंडली है, तो मिथुन लगन में लगन के स्वामी बुध, चौथे घर के स्वामी भी बुध। अब बुध की दो राशियां हैं, एक लगन की और एक चौथे की, और बुध कुंडली में बैठ गया, मान लीजिए 8वें घर के अंदर बैठ गया। लगन की डिग्री 15 है, बुध की डिग्री 16 है, तो लगन की डिग्री के पास आ गया, ग्रह का बल बढ़ गया। या लगन की डिग्री 1 है, बुध की डिग्री 3 है, तो भी वो लगन की डिग्री के पास हो गया। अब ये देखना है कि 3 नंबर और 6 नंबर जहां लिखा हुआ है वो भी राशियां पीड़ित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फल तो उन्हीं की जगह के मिलेंगे। लगन में अगर पाप ग्रह बैठ गए, लगन पीड़ित है, चौथे ग्रह घर में पाप ग्रह बैठ गए, पीड़ित हो गया, तो भैया वो जो ग्रह है बुध, फिर वो अच्छे फल नहीं दे पाएगा। वो कहेगा मेरी दोनों राशियां तो पीड़ित ही हो गई, जहां का मुझे रिजल्ट देना, तो उनको भी देखना चाहिए। इन सारे नियमों को मैंने ध्यान रखा है, जिसमें आप आगे ध्यान समझेंगे कि मैंने 2 कुंडलियां लगाई हैं, उन दोनों कुंडलियों में मैंने आपको बताया है कि क्यों वो ग्रह व्यक्ति जीवन में राइज किए। एक व्यक्ति राहु की दशा में बहुत राइज किया, दूसरा व्यक्ति बुध की दशा में बहुत राइज किया, तो उसके पीछे रीजन क्या है एग्जैक्टली, कि ऐसे व्यक्ति राइज क्यों कर रहे हैं? कि उनकी हॉरोस्कोप्स के अंदर प्लेनेट की डिग्रियां, वर्गोत्तम होना, या ग्रहों की स्थितियां, या राजयोग धनयोग कैसे काम करते हैं। तो आज मैं जो सूत्र आपको बताए हैं, अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह ऐसा है जो कम डिग्री का है या अंतिम डिग्री का है, तो घबराए नहीं, ये नियम लगा लें। ये सारे नियम अगर उसमें लग गए तो आप निश्चिंत हो जाइए, किसी के घबराने मत बताने में मत आना, वो ग्रह आपको अपनी दशा में अच्छे फल देगा, क्योंकि ग्रह कब फल देते हैं? जब उनकी महादशा आती है। तो ये विशेष चीज पे आपको ध्यान रखना। अब आइए मैं आपको ले जाता हूँ एग्जाम्पल्स के लिए, वहां एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा स्क्रीन पे कि कैसे हम इन नियमों को देख सकते हैं और लगा सकते हैं। अब तक मैंने आपको जो नियम बताए हैं उनके बारे में समझाया कि ये सभी नियम अगर आपकी कुंडली के अंदर लगते हैं, आपकी कुंडली के अंदर ग्रह 0, 1 डिग्री, 29 डिग्री, गंडमूल, संधि, इनमें बैठने के बाद भी अच्छे फल दे सकता है, तो वो सब नियम मैंने आपको बताए। अब उन नियमों को हम अप्लाई करके देखते हैं कुंडलियों के अंदर, कि भी स्टेप बाय स्टेप वो नियम कुंडली में लगते हैं या नहीं। इसलिए मैंने किसी महान व्यक्ति की कुंडली यहाँ नहीं ली है, मैंने एक साधारण व्यक्ति विशेष की कुंडली यहाँ ली है, जिससे मैं आपको समझा सकूँ कि वो व्यक्ति उन दशाओं के अंदर क्यों बेहतर हुए। आइए देखिए, सबसे पहली कुंडली आपके सामने है, ये एक सिंह लगन की कुंडली है, जहाँ लगन में योग कारक मंगल बैठा है, और लगन में मंगल है जो कि भाग्य स्थान का मालिक है, ये आप देख रहे होंगे, और वहीं लगन का मालिक 9th हाउस में सूर्य है जो कि उच्च का होकर बैठा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं कुंडली में एक बहुत बड़ा बल है कि मंगल और सूर्य का राशि परिवर्तन राजयोग है, ये लगन और भाग्य स्थान के मालिक का राजयोग है। अब लगन के मालिक के साथ शुक्र जैसा ग्रह भी है जो दशम भाव का मालिक है, ये भी अपने आप में एक राजयोग से कम नहीं है। तो वो एक स्थिति हमें यहाँ स्पष्ट रूप से दिखी कि कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर एक बहुत अच्छा बल है। शनि भी यहाँ सप्तम भाव में बैठे हैं, शश नामक राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। बृहस्पति भी यहाँ पंचम के स्वामी होकर दशम भाव में बैठे हैं, ये केंद्र त्रिकोण का एक राजयोग है। अब इस राजयोग या स्थितियों की स्थिति को देखें कि भाई ये व्यक्ति राहु की दशा इनको मिली। शास्त्र के अनुसार 18 वर्ष की राहु की महादशा होती है,
राहु जिस ग्रह की राशि में बैठता है उसके हिसाब से फल देता है। अब आप ये समझिए कि मंगल इस कुंडली के अंदर लग्न में बैठा हुआ ग्रह है, योग कारक ग्रह है, और सबसे बड़ी बात है वर्गोत्तम है, क्योंकि नवमांश कुंडली में भी आप देख रहे होंगे वो इसी राशि के अंदर बैठा है। इसका मतलब मंगल ग्रह इस कुंडली के अंदर वर्गोत्तम हुआ। जैसा कि मैंने आपको नियम में बताया कि वर्गोत्तम ग्रह अगर कुंडली में हो तो वह ग्रह अपने कहीं ना कहीं ग्रह का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ग्रह का बल बढ़ जाता है। राहु की महादशा इस व्यक्ति ने 18 साल की भोगी है, और इस राहु की महादशा में वो व्यक्ति कहता मेरे जीवन में कभी ऐसा समय नहीं आया दोबारा जैसा मैंने राहु की दशा में लिया। मैंने जिस तरफ जिस क्षेत्र में हाथ डाला वहाँ से मैंने पैसा ही निकाला। तो सबसे पहली बात, राहु किसके साथ है? पंचम भाव के मालिक बृहस्पति के साथ है। ये बृहस्पति कौन है? पंचम दशम भाव में राजयोग बनाता है, तो गुरु राहु का एक योग बनता है, जिसको लोग बाग ये कहते हैं गुरु चांडाल दोष है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उसका एक परफेक्ट उदाहरण है कि भी आप गुरु चांडाल को पहले समझो। इस व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म करने की जुनून हो गया, क्योंकि कर्म स्थान में गुरु राहु का योग बना हुआ था। अब लगन की डिग्री देखिए आप, 19 डिग्री 42 मिनट। अब इस लगन की डिग्री के पास कौन सा ग्रह है? वो है राहु, 20 डिग्री 40 मिनट। मैंने आपको बताया लगन की डिग्री से 2 डिग्री आगे या 2 डिग्री पीछे या 1 डिग्री यानी एक नवमांश 3 डिग्री 20 मिनट से आगे पीछे भी यदि कोई प्लैनेट उसके नज़दीक जाता है तो वो ग्रह बली हो जाता है। यहाँ राहु को आप देखिए कि राहु 20 डिग्री 40 मिनट का ग्रह है और लगन की डिग्री 19 डिग्री 42। अब ये राहु भी देखिए यहाँ शुक्र की राशि में है, यानी राहु की लगन की डिग्री के होने के कारण, बृहस्पति के साथ बैठे होने के कारण ये एक राजयोगकारी स्थिति हुई। इस प्लैनेट ने अपनी दशा में बेइंतहा व्यक्ति को धन दिया। राहु यहाँ देखिएगा शुक्र ग्रह की राशि में, शुक्र कहाँ है? भाग्य स्थान में, सूर्य के साथ है, सूर्य यहाँ उच्च का होकर बैठा हुआ है। ये भी आप देख रहे होंगे कि भी सूर्य यहाँ उच्च का है, ये शुक्र है जो राहु के फल दे रहा है, और राहु बृहस्पति के साथ है। यानी आप अकेले ये देखिए कि राहु के अंदर कितना सारा बल बढ़ गया। राहु बृहस्पति के साथ जो पंचमेश है, शुक्र गुरु का एक बहुत सुंदर राजयोग है, क्योंकि दशम भाव और लगन के स्वामी का राजयोग है। लगन में योग कारक मंगल है, और आप मंगल की भी डिग्री देखिए 16 डिग्री और लगन की डिग्री है 19 डिग्री। राहु 20 डिग्री 40 मिनट का है, सूर्य 18 डिग्री 21 मिनट का है, ये भी लगन की डिग्री के बिल्कुल पास है। आप ये समझिए कि इस राहु के अंदर इतना बल मिला कि हम आप इसको देखिए नवमांश कुंडली में भी ये राहु जो है एकादश भाव में ही बैठा है, लाभ के भाव में ही बैठा है। यहाँ धन भाव का मालिक बुध, जो कि अपने ही भाव को वापस देख रहा है, क्योंकि ये एक धन योग बनाने वाला ग्रह है बुध, दो धन भाव का मालिक वापस देख रहा है। धन का कारक बृहस्पति भी दूसरे घर को वापस देख रहा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो हमने नियम लगाए कि ग्रह की डिग्री लगन के पास होनी चाहिए, केंद्र त्रिकोण में होने चाहिए, राजयोग कार्य स्थितियों में हों, पीड़ित नहीं है। देखिए ये कहीं ना कहीं जो राजयोग मैंने आपको दिखाई है 6, 8, 12 में नहीं थे, सभी ग्रहों का संबंध शुभ भावों से बन रहा था, कोई भी ग्रह यहाँ अस्त नहीं था, कोई भी ग्रह यहाँ दुष्प्रभाव में नहीं था, और मंगल वहाँ वर्गोत्तम भी था। तो वो सारे नियम हमें यहाँ इस कुंडली में लगते दिखाई दिए हैं कि भी लगन की डिग्री के पास ग्रह हो और पीड़ित ना हो तो कैसे राजयोग मिलता है। अगली कुंडली हमारे सामने आप एग्जाम्पल में देख लीजिए कि यह एक मिथुन लगन का चार्ट है, ये मिथुन लगन का चार्ट है। यहाँ लगन की डिग्री देखिएगा 14 डिग्री 7 मिनट है। इस कुंडली में दो ग्रहों पर बहुत विशेष ध्यान देना है। यहाँ आप देख रहे होंगे शनि शुक्र राहु का योग, शनि भी 29 डिग्री का, शुक्र 27 डिग्री का, और ये है द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि का मैंने आपको बताया था कि नौवा नवमांश वर्गोत्तम होता है। तो देखिए आप शुक्र और शनि दोनों नवमांश कुंडली में सेम राशि में है, ये इस ग्रह का बल है, ये इस प्लैनेट का स्ट्रेंथ है। बुध के बारे में बहुत मैंने पढ़ा, पिछली कुंडली में भी बुध 8वें ही घर में था, इस वाली बुध कुंडली में भी बुध 8वें ही घर में है, और बुध अगर अकेला हो के अष्टम भाव में हो तो कितने भी शास्त्रों में आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत प्रशंसा की गई है, धन के मामले में बहुत अच्छा इसको माना गया है। अब लगन की डिग्री है 14 डिग्री 7 मिनट। अब आप देखिएगा कि इस हॉरोस्कोप में बुध जो है लगन की डिग्री के सबसे ज़्यादा नज़दीक होने वाला प्लैनेट है। दूसरा प्लैनेट सूर्य देखिए लगन की डिग्री के कितने पास है। अब कुंडली में राजयोग देखिएगा शनि शुक्र का कितना बेहतर राजयोग है, क्योंकि शुक्र
पंचम भाव का मालिक है, शनि नौवें घर का मालिक है, पंचमेश नवमेश का लक्ष्मी योग, और यही शुक्र और शनि वर्गोत्तम भी है, पीड़ित नहीं है। अब इस व्यक्ति ने अपने जीवन में 17 साल की बुद्ध की महादशा में, ये व्यक्ति महज 10,000 रुपये महीना की नौकरी करता था, और इस 17 साल की महादशा के अंदर ये व्यक्ति करोड़पति हो गया, कम से कम 20 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक हो गया ये व्यक्ति सिर्फ 17 साल की दशा के अंदर। वो है लग्नेश बुद्ध की महादशा इसको मिल गई, जिसकी डिग्री आप देखिएगा 18 डिग्री 43 मिनट है, ये 14 डिग्री का इनका लगन है, और लगन का मालिक होकर ये प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ है। किस ग्रह की राशि में बैठा है ये मैंने आपको बताया था कि ये ग्रह शनि की राशि में है, और ये शनि दशम भाव में उच्च के शुक्र के साथ बैठकर वर्गोत्तम स्थिति में है, यानी प्लैनेट जिसकी राशि में है उसको देख लो भैया, वो तो राजयोग में है, वो राजयोग नवमांश कुंडली में भी बना, और वो बुध ग्रह आप यहाँ देखिएगा दशमांश कुंडली के अंदर भी, कि यहाँ भाग्य स्थान का मालिक होके छठे घर में गया। तो ये एक स्थितियाँ हैं जो किसी भी कुंडली को बलि बनाती हैं, और आप ये देखिए ये कोई से भी राजयोग में ना प्लैनेट अस्त है, ना प्लैनेट पीड़ित है, ना उसके ऊपर अशुभ प्रभाव है, बल्कि बृहस्पति और केतु सामने हैं, बृहस्पति अपने ही भाव को देख रहा है, बृहस्पति दशम भाव को देख रहा है जहाँ पर बैठकर शुक्र और शनि जैसे ग्रह बैठे हुए हैं। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कहीं ना कहीं बलि है, ये व्यक्ति बहुत आत्मबली है, मंगल छठे घर में बैठा है, बहुत मेहनती है, बहुत जुझारू है, निर्भीक है, डर इनके भीतर नहीं है, और इसी वजह से बुध ग्रह की दशा में देखिए आप नवमांश में बुध कितना बेहतर हो गया, कि ग्रह का बल कहाँ देखो नवमांश कुंडली में देखो, कि क्यों बुध की दशा में करोड़ों रुपए का धन मिला, उसके पीछे रीज़न ये है कि इस कारण से पैसा मिला है। बुध की राशि देखिए, बुध की राशि है मिथुन राशि, इसमें कौन बैठा हुआ है, धन भाव का मालिक बैठा हुआ है, जिसको मैंने आपको नियम में विशेष बताया था कि उन भावों में देखो कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, लेकिन जब तक एक एग्जाम्पल कुंडली सामने नहीं आ जाती है तब तक उसको हम अच्छी तरह समझते नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर जो भी योग लिए हैं वो एक आम व्यक्ति की कुंडलियों में लिए हैं, कि इन दोनों ने, पिछले व्यक्ति ने राहु की दशा में करोड़ों रुपये कमाया, इस व्यक्ति ने बुध की दशा में कमाया, और कुंडली में योग थे, राजयोग थे, तभी तो पैसा कमाया, और वो योग राजयोग लगन कुंडली के अलावा हमारी नवमांश कुंडली और हमारी दशमांश कुंडली में भी दिखाई दिए, तभी इस व्यक्ति ने पैसा कमाया, अदरवाइज़ बिना वर्ग कुंडलियों के आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते। तो इन एग्जाम्पल को अच्छी तरह आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी कुंडली में लगाकर देख सकते हैं कि भाई मेरी कुंडली में अगर ग्रह 0 डिग्री के हैं या अस्त हैं, या जैसे भी नियम मैंने आपको सारे बताए हैं कि वो नियम आपके यहाँ अगर लग रहे हैं तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आपको उस ग्रह की महादशा जब आएगी तो वो राजयोग और धनकारी ग्रह देगी। ये था मेरा आज का विषय, नमस्कार।